मामला क्या है? मामला ये है कि अपना सरकार का फैसला है कि आरसी बस जितनी भी गाड़ियाँ हमारी है, हम बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के दक्षिणी है, तो हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम अंडरलोड चलाएंगे। फिर भी बीच में कुछ काली भेड़ है जो ओवरलोड प्रशासन के साथ मिलके मिली भगत के साथ ओवरलोड चला रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी से भी 3 से 4 बार मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है हमको इसको लागू कराने के लिए कि भाई जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब की सब आरसी पासिंग में चलनी चाहिए। डीसी साहब से भी कई बार हम मिल चुके हैं, डीसी साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि भाई जब तक मैं रेवाड़ी जिले का डीसी हूं यहां पे आरसी पासिंग से ऊपर नहीं चलने देंगे। बावजूद इसके हम एसपी साहब से भी मिले हैं, फिर भी कुछ ट्रांसपोर्टर और अपने प्रशासन में कुछ काली भेड़े हैं जो मिली भगत करके ओवरलोड गाड़ियां निकाल रहे हैं। उसके लिए हमने डीसी साहब को बृहस्पतिवार को ज्ञापन दिया था। हमने डीसी साहब से मांग की है कि वे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोगों की बनाई जाए, जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम होगा कि जहां पे भी कहीं कोई तकलीफ की बातें होंगी जो ओवरलोडिंग मिली भगत से चलाएं उन लोगों को हम पकड़वा सकें और उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके, क्योंकि अदरवाइज तो ये ऐसे ही लुका छिपी का गेम चलता रहेगा। प्रशासन और बिल्कुल 100% हमारा मानना है। इसके लिए हमने अतीत में एसपी साहब और आईजी ममता सिंह जी को भी ज्ञापन भी दिया था और बताया भी था कि भाई यहाँ पे दलालों के माध्यम से प्रशासन पैसा खा रहा है। अब ये काम ट्रांसपोर्टर तो नहीं कर सकते हैं। हमने अपने उच्च अधिकारियों से, एसपी साहब से, आईजी साहब से और आदरणीय डीसी साहब से हमने ये मांग की है कि इसकी आप जाँच कराए, गवर्नमेंट एजेंसी जाँच कर सकती है, हम लोग तो अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इसमें सीधी सीधी सी बात यह है, यदि प्रैक्टिकल कानून अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंटली चाहता है कि भाई ये अंडरलोडिंग का और आरसी पासिंग का मैटर लागू हो तो इसमें कोई दो राय नहीं। हमने आईजी साहब को भी सुझाव दिया है कि 1 DSP साहब, 2 पुलिस इंस्पेक्टर, 4 ASI, 25 की गार्ड के साथ में, 2 जिप्सी के साथ में आप हमें सिर्फ 3 महीने के लिए दे दें, आपका 100% जिला अंडरलोड चलेगा। यही हमारी गुजारिश है और